नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग एस एनसीए प्रोटीन दैट क्व हेल्प मैनेज पार्किस तो ये पार्किस जो है ये न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर मीन्स के विद द टाइम द कंडीशन बिकम इट वर्सन तो एस एन सी ए प्रोटीन क्या है इट इज साइ न्यूक्लिन एल्फा तो ये एक मिस्टीरियस प्रोटीन है जो कि हेल्थी शर्स में प्रेजेंट होता है बट हमें इसका स्पेसिफिक फंक्शन नहीं पता तो यहाँ पे इस प्रोटीन का रिलेशन बता रखा है विद द तो विदेंस है इसके मेजर टू कॉम्पोनेंट है के, जो प्रेजेंट होता है दो तरीके से सेल्स के अंदर वन इज के जो भी इंटरफेयर करता है विद द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ सेल्स न्यूक्लियर यानी कि उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसके साथ ये कंटेक्ट करता है उसको डैमेज कर देता है एंड सेकेंड इज जब ये सेल को अलाउ कर देता है तो डिग्रेड द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स यानी कि जो ये सेकेंड टास्क है जब ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देता है तो ये टास्क एज अ सेवियर फॉर सेल लेकिन जो ये फर्स्ट केस है जहां पर इट इंटरक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल तो उसमें इट इम्पैक्ट जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है सेल की वो डैमेज होती है एंड इसी का ही रिलेशन फिर बताया तो ल्यूवी बॉडीज की तरह ये होते हैं जो मतलब हार्म करते हैं एंड जो सेकेंड केस है दैट इज एग्रेजोम जैसे लाइजोजोम हमें पता है वो भी पूरे सेल को डैमेज कर देते हैं तो जोम्स वी कैन रिमेम्बर तो लाइजोजोम

फिर नेक्स्ट अब इसमें कैसे इसको कर्ब करे कि जो ये लुई बॉडीज है यानी कि जो सेल का जो न्यूक्लिया होता है उसको ये हार्म करती हैं तो इसके लिए रिड्यूस द सेल्स एस एन सी ए कंटेंट जो साइन न्यूक्लियन प्रोटीन है इसको करना करने बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वांटिटी कम होएगी तो इट वोंट वर्क सेकेंड इज के जो क्रिस्पर uh, सी है इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं ताकि इसका प्रोडक्शन ही कम और ताकि ये ना इतना प्रमोट हो पाए बट यहाँ पे अगेन ब्लड ब्रेन बैरियर की बात होती है जिसके थ्रू ये पास नहीं कर सकता इसको इसका सोल्यूशन क्या बचा रहेगा कि डायरेक्टली वी कैन इंजेक्ट दिस मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल या फिर जो डिजायर्ड ब्रेन डिजायर ताकि वहां पर भी ये प्रेजेंट हो जाए एंड थर्ड इज रिगार्डिंग बैलेंस इन दर पॉपुलेशन बिटवीन द एग्रेजो और जो लुई बॉडीज है इनके बीच में ये ज्यादा मेजर पॉइंट्स पॉइंट दिस

जो टैक्सेशन लगाया जाता है ऑन गेमिंग सेक्टर उनके उससे रिलेटेड जो हैं उसको सुनने की बात यहाँ पे हो रही है कि कैसे गेमिंग सेक्टर को और हम आगे बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे उसको और इंक्लूसिव बना सकते हैं तो उसके लिए जितना टैक्सेशन उस पे किया जाता है उसके ऊपर बात हो रही है कि और ज्यादा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जो स्पेसिफिक टैक्स रेट लगने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग और कंपनीज के ऊपर जो कि पहले एटीन परसेंट जीएसटी था प्लेटफॉर्म फी था

Uh, हम बोल सकते कि गेमिंग एज अ करियर को बेसिकली प्रमोट करने के लिए जो टैक्सेशन उसके ऊपर लगने वाला है ये कितना रिलीफ मिलने वाला है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा तो ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको रेगुलेट किया जाता है कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के द्वारा ताकि मिस यूज उन प्लेटफॉर्म्स का ना हो पहला आता है पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 में ये आया ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए जिसमें डिजिटल कसिनो ऑनलाइन गैम्बलिंग या फिर गेमिंग हो रहा था तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था उसके बाद आया लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998 जिसमें लॉटरी को ऑर्गेनाइज किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड बेसिकली जो पर्टिकुलर स्टेट है उसमें कैसे उसको लॉटरी को लीगली कंसिडर किया जाएगा उसके बारे में बात हुई

ये दोनों एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं ऑफ़ डिफरेंट वेज जिसमें शुगर किन का जो प्रोडक्शन है जब पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं फिर वाटर लेवल ऑलरेडी डिप्लीट हो रहा है हमारे रिजर्वॉयर्स में तो कैसे हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं ऑफ शुगर केन या कैसे उसको हम बेसिकली स्टेबलाइज वे में प्रोडक्शन uh, आगे बढ़ा सकते हैं सो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है शुगर uh, इस शुगर के अलावा भी और कुछ कुछ सोर्सेस है हम इथेनॉल बेसिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे ग्रेन्स में आ जाता है कॉर्न बार्ले या फिर व्हीट इसके अलावा बायोमास जो होता है मतलब एग्रीकल्चर रेसिड्यू उससे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं राइस जो होता है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शुगर्स फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू एंड कुछ कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें शुगर का कंटेंट बेसिकली हाई होता है जैसे ग्रेप्स हो गया फिर पोटेटो हो गया उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन तो ई ट्वेंटी टारगेट हमारे थे 2025 से 26 तक जहां पे 55 जो हमारा इथेनॉल है इट विल बी कमिंग फ्रॉम शुगर केन को अचीव करने के लिए तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि एग्रीकल्चर जल शक्ति फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्रीज का इंटीग्रेशन होना जरूरी है ताकि हम शुगर केन के आउटपुट को आगे आने वाले सालों में भी स्टेबिलाईज कर पाए एंड जैसा कि हम ऑलरेडी देख भी रहे हैं हमारी जो साउदन स्टेट्स हैं तमिलनाडु और कर्नाटका वहां पे हम देख भी रहे हैं कि जो रिजर्वॉयर्स का वाटर लेवल है ऑलरेडी थर्टी परसेंट से नीचे चल रहा है बहुत सारी स्टेट्स में तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम शुगर किंग के प्रोडक्शन को भी आगे सस्टेनेबल बना पाएंगे तो यहाँ पे उन्हीं ऑल्टरनेटिव की बात हो रही है स्प्रूशियस लाइफ सेविंग मेडिसिन फाउंड इन डेली एंड झारखंड तो सी डी एस सी ओ उनकी फाइंडिंग्स थी कि पांच क्रिटिकल ड्रग्स जो कि मार्केट में बेचे जाते हैं उनका चीपर वर्जन बेसिकली मार्केट में मिल रहा है इनमें से इम्पोर्टेंट टैबलेट्स आ जाती हैं जिसमें सोडियम हैं जिसको यूज किया जाता है माइग्रेन और पेन को बेसिकली मैनेज करने के लिए रिफा Rif हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर ट्रीटिंग द डायरिया एंड लिवर डिसीजे इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट्स एलपी जिनको यूज किया जाता है फॉर ट्रीटिंग दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनके जो चीपर वर्जन मिल रहे हैं पहले भी हमने देखा था कि जो कफ सिरप्स थे उसमें इथाइलिन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से डेथ्स देखी गई थी तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो क्रिटिकल ड्रग्स हमें हमारे मार्केट uh, में जो अवेलेबल हैं उनका रेगुलेशन होना चाहिए उनकी क्वालिटी जो है वो जो कि इंस्पेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट जैसा कि यहाँ पे देखा भी गया डेथ केसेस से इन चिल्ड्रेन इन उजबेकिस्तान एंड इन गैम्बिया कफ सिरप की वजह से नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है खारदुंगला पास तो खारदुंगला पास की बात करें कहाँ पे लोकेटेड है बेसिकली जम्मू और कश्मीर जो लद्दाख वाला रीजन है उसके अंदर लोकेटेड है यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वैलीज यहाँ पे फॉर्म होती है खारदुंगला पास के आस पास दैट इज श्योक वैली और नूबरा वैली तो जो खारदुंगला पास है हमारी लद्दाख रेंज जो है करकोरम लद्दाख और झांसकर ट्रांस हिमालयाज में तो लद्दाख रेंज के अंदर लोकेटेड है और बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया को एक्सेस करने के लिए वहां पे सप्लाईज को भेजने के लिए ये इम्पोर्टेंट पास हो जाता है And कौन इसको मेंटेन करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा इसके अलावा आ जाता है रिलायंस दैट इज सीकिंग एक्सेस टू जेट फ्यूल जेट फ्यूल पाइपलाइंस स्टोरेज ऑफ पी ऑयल कंपनीज सो बेसिकली यहाँ पे अ uh, इंडिया का जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसके लिए बात हो रही है फोर्थ एटीएफ प्रोड्यूस करने की जिसमें रिलायंस एक्सेस मांग रहा है टू स्टोरेज स्टोरेज डिपोर्ट जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर लोकेटेड है इसके अलावा पाइपलाइन जो कि मुंबई बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करती हैं सो बेसिकली अभी वो थोड़े छोटे अमाउंट में ही हम बोल सकते हैं कि एटीएफ को सप्लाई करता है बट बढ़ाने की वो बात कर रहा है यहाँ पे जामनगर में भी आ रहा है ट्वेंट रिफाइनरी हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं फाइव मिलियन टन ऑफ एविएशन फ्यूल इम्पोर्टेंट बेसिकली स्टेट ओन्ड अगर इंटरप्राइज़ेस की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड एचपीसीएल दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो कि फ्यूल मार्केट को बेसिकली लीड करती है इसके अलावा ओवर सेवन थाउजेंड फार्मीसी तो ओ एन डी सी क्या है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है बेसिकली जहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके आया जाता है ताकि ई कॉमर्स ग्लोबली लेवल पे जो ई कॉमर्स है उसको हम प्रमोट कर पाए और जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है उसको हम सपोर्ट कर पाए जैसे कि एफ पीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ज्वाइन करिए ओ एन डीसी के प्लेटफॉर्म को एंड